पंजाब यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के साथ साथ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कैंपस और इससे एफिलिएटेड पंजाब और चंडीगढ़ के कॉलेज से जुड़े टीचर्स की राज्य स्तरीय रैली पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई। रैली के बाद सभी टीचर्स विधानसभा के लिए मार्च करने के लिए निकले तो उन्हें पीयू के मेन गेट पर पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने उन्हें जब रोका तो टीचरों ने काफी देर तक गेट नंबर एक पर पंजाब सरकार के विरोध में नारेबाजी की। पीयू परेड ग्राउंड पर आज सुबह से ही काफी संख्या में बता दें कि टीचर्स इकट्ठे शुरू होना आरंभ हो गए थे और उन्होंने अपना यहां पर विचार भी साझा किया और अपनी मांगों को लेकर संबंधित प्रशासन और पंजाब सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। ये साडा धरना जेड़ा है, ये पंजाब सरकार दी जेड़ी मूव है वो यूजीसी पे स्केल्स तो टीचर्स जो कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज दे विच है उन्हां दे पे स्केल नूं यूजीसी पे स्केल्स नूं डीलिंक करना चाहुंदी है, उस दे रोस वजों ये धरना रैली की जा रही है। ये रैलियां दा सिलसिला तकरीबन 19 फरवरी तो जिहड़ा पंजाब च शुरू किया गया, इस दौरान रैलियां पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पीएयू लुधियाणा, जीएनडीयू अमृतसर और अज स्टेट लैवल रैली 4 मार्च 2021 नूं इत्थे पी फैक्टो दे बैनर हेठ थले असीं कर रहे हैं। ये जिहड़ी पंजाब सरकार ने 28 दिसंबर नूं एक चिट्ठी कढ़ी है जिहदे विच उन्होंने ये कहा है कि जिहड़े नवी रिक्रूटमेंट की जाएगी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस च उहदे विच जिहड़ी ऑलरेडी उन्हां टीचर्स ने धक्का हो रहा उन्होंने फिक्सड पे दी जा रही है वो फिक्सड पे भी यूजीसी पे स्केल्स तो घटा के दी जाएगी। इस मूव नूं एक हिंट मनदे हुए टीचर्स पी फैक्टो दे बैनर हेठ इकट्ठे हुए ने जिहदे नाल कि ये सारी जिहड़ी हायर एजुकेशन सिस्टम नूं जिहड़ी ये मूव जिहड़ी अफेक्ट करन जा रही है। आज सभी अध्यापकों के साथ साथ प्रिंसिपल एसोसिएशन ने भी मास कैजुअल लीव लेने और एग्जामिनेशन ड्यूटी नहीं करने का फैसला किया। इस वजह से पंजाब यूनिवर्सिटीज के 34,000 स्टूडेंट्स का पेपर स्थगित कर दिया गया। जीएनडीयू ने भी अपने सभी पेपर स्थगित कर दिए, लेकिन इस प्रदर्शन के चलते छात्रों पर भी इसका असर देखने को मिला। पंजाब के सिटी भी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट।